गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू हेड लेवल में नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्क प्रॉब्लम्स। आज का वर्क प्रॉब्लम्स डिस्टेंस एंड टाइम के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो है उस पर बेस्ड आज फर्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे। हमारे बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम? Upstream is opposite to the direction of the flow and downstream is in the direction of flow। मतलब जिस direction में suppose कीजिए कोई water flow कर रही है, कोई river flow कर रहा है, ठीक है, ठीक उसी direction में जब कोई boat जाता है तो that is called downstream। और ठीक उसके opposite direction में अगर कोई boat row upward direction में होता है, against the direction of the flow of the wind, otherwise against the direction of the flow of the river, then it is called upstream, ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ है, a boat goes 12 किलोमीटर upstream and 40 किलोमीटर downstream in 8 hours, means 12 किलोमीटर upstream और 40 किलोमीटर downstream आने में कितना टाइम लगता है? 8 hours। it can go 16 किलोमीटर upstream, 16 किलोमीटर upstream जाने में एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में इन द सेम टाइम, ठीक उतना ही टाइम लगता है जब वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। देन क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। क्या निकालना है हम लोग को? स्पीड ऑफ बोट निकालना है इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बनाने का सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा समझते हैं। लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई, देन स्पीड in speed of boat in downstream equals to क्या हो जाएगा x plus y and speed of boat in upstream क्या हो जाएगा x minus y। अब उन लोगों का क्वेश्चन क्या है, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितना किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है? 12 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। 8 आवर्स मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम का फॉर्मूला पता है आपको, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर। कहां जा रहा है? अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है? एक्स माइनस वाई, तो 12 बाई एक्स माइनस वाई प्लस एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई। डिस्टेंस बाय स्पीड दे इक्वल्स टू टाइम। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर्स इक्वल्स टू 8, ठीक है। इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम मींस डिस्टेंस 16 किलोमीटर, स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना है? x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में स्पीड डिस्टेंस कितना है? 32 किलोमीटर, स्पीड कितना? x प्लस वाई। टोटल टाइम इन द सेम टाइम इज गिवन सेम 8। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, लेट 1 बाय x माइनस वाई इक्वल्स टू a एंड 1 बाय x प्लस वाई इक्वल्स टू b। अगर आप x माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए को a लेते हैं तो क्या होगा क्वेश्चन, 12 a प्लस 40 b इक्वल्स टू 8, देन 16 a प्लस 32 b इक्वल्स टू 8। अब यहां पर a और a दोनों में 12 एंड 16 का नियरेस्ट मल्टीपल देखते हैं तो कितना आता है हम लोग को? 48, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे किए? इक्वेशन फर्स्ट इनटू 4 एंड
सेकेंड इंटू थ्री दे इक्वेट। फर्स्ट को फोर से मल्टीप्लाई करते तो 12 फोर जा 48, 44 जा 160, 8 फोर जा 32। अगेन थ्री से करते सेकेंड इक्वेशन को 16 थ्री जा 48, 32 थ्री जा 96, 8 थ्री जा 24। इक्वेट करना है, साइन अपोजिट नहीं है तो सबका साइन चेंज किए, प्लस 48 माइनस 48 कैंसल, माइनस करेंगे यहां पर कितना आएगा 64 बी, यहां कितना आएगा 8, बी का वैल्यू 1/8। नाउ वी विल प्लेस द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट put the value of b, first equation में b का value डालते हैं, first equation में b का value कितना है 1/8, 12 a 40 into 1/8 equals to 8, 8 5 जा 40, 12 a equals to 4 3, 8 में से 5 माइनस होगा 3, देन ए का वैल्यू 1/4, ए का वैल्यू कितना आ गया 1/4। ए किसको माने हैं हम सभी, यहां पर ए का वैल्यू क्या था, यहां पर इक्वेशन देखिए, ए किसको माने हैं आप 1/x-y, 1/x-y इक्वल्स टू 1/4, मींस x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 4। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। b का वैल्यू कितना है 1/8, b किसको लिए हैं हम लोग b इक्वल्स टू 1/8, b किसको लिए हैं हम लोग यहां पर देखिए क्या लिखे हैं, b इक्वल्स टू 1/x+y, 1/x+y, x प्लस वाई का वैल्यू 8। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई आ गया तो हम लोग को क्या बचा, वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का, तो डायरेक्ट हम लोग इक्वेट करते हैं, क्यों दोनों का न्यूमरल वैल्यू लगभग सेम है, लगभग सेम क्या बिल्कुल सेम है, इक्वेट इक्वेशन 3 and 4, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 6। इन इक्वेशन 4 चलते हैं, y इक्वल्स टू, y का वैल्यू कितना, x की जगह पे आप 6 डालोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, इट मींस स्पीड ऑफ बोट कितना आया आपको 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आया आपको 2 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन देगा स्टूडेंट्स, बनाने का सिंपल तरीका क्या है, तो अप स्ट्रीम का मतलब समझेंगे क्या, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डाउन स्ट्रीम का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ना है, जितना समझ में आए उतना को पढ़ना है, फिर उसके थ्रू हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म, फर्स्ट इक्वेशन को कैसे फॉर्म किए फिर से समझते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद। क्वेश्चन था ए बोट कौन गोज कैन गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ जाता है, एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इतनी जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है, एयर ब्लो करता है, उसी डायरेक्शन में जाता है इन 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स मतलब ये दो अलग अलग डिस्टेंस है जिसको कवर करने के लिए अपस्ट्रीम में होता और एक डाउनस्ट्रीम में, लेकिन टाइम कितना लगता है 8 आवर्स। तो यहां पर टाइम दिया हुआ है, टाइम का फॉर्मूला पता था हम लोग को क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 12 किलोमीटर कहां गया अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, कहां गया डाउनस्ट्रीम में तो 40 बाय x प्लस वाई,
दोनों का टाइम कितना आवर्स लगा था, 8 आवर्स। लाइक सेम वे से हम लोग इक्वेशन सेकेंड फॉर्म किए थे, और सॉल्यूशन का क्या तरीका अभी जस्ट पहले इक्वेशन पहले समझा है। ये हमारा था क्वेश्चन डिस्टेंस और टाइम का, लास्ट टाइम क्वेश्चन जिसको हम लोग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे, देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 67 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना मीटर स्क्वायर रिड्यूस करता है, 67 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड मींस घट जाता है, कितना मीटर स्क्वायर, 67 मीटर स्क्वायर। व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर। जब लेंथ को इंक्रीज करते हैं और कितना मीटर, 3 मीटर, एंड ब्रेथ को कितना डिक्रीज करते हैं, 4 मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में कितने डायमेंशन होते हैं, दो, एक लेंथ होता है और दूसरा हमारा ब्रेथ होता है, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज करता है, ब्रेथ डिक्रीज करता है, तो एरिया पे फर्क पड़ता है। मींस एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ का डायमेंशन होना जरूरी है, डायमेंशन पता करना जरूरी है कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है। तो सॉल्यूशन में हमारा क्वेश्चन जो है, हम लोग का यही पूछा था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिखेंगे लेंथ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स इंटू वाई। याद कीजिए सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस के रिलेशन पे। जब स्पीड इंक्रीज करता था तो टाइम डिक्रीज करता था, तो डिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा था, तो वहां पे स्पीड को एक्स, टाइम को वाई, तो डिस्टेंस एक्स वाई। कुछ उसी टाइप से इसका भी सॉल्यूशन बनता है, इसका भी इक्वेशन बनता है। यहाँ पर लेंथ को हम लोग एक्स लिए, ब्रेथ को वाई लिए, तो एरिया क्या हुआ, एक्स वाई हुआ, ओके। अब क्वेश्चन में देखते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 67 मीटर स्क्वायर, मींस जो एरिया है आपका एक्स वाई एरिया है, इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 67 मीटर स्क्वायर, मतलब ये 67 मीटर स्क्वायर रिड्यूस कर जाएगा, कब करेगा, व्हेन इट्स लेंथ Each increased by 3 meter. Increase में सभी लोग जानते हैं वरना, तो length को जब आप 3 meter increase करोगे तब, and breadth is decreased by 4 meter. जब breadth 4 meter decrease करेगा मतलब 4 meter घट गया। एरिया का फॉर्मूला ही ना है, L into B, ये एरिया x plus 3 into y minus 4, जब ये एरिया आएगा तो पहले वाले एरिया से कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर रिड्यूस करेगा, 67 मीटर स्क्वायर रिड्यूस करेगा। इक्वेशन फॉर्म करते हैं, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 67। एक्स वाई फिनिश हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 67 प्लस 12, देन इक्वेशन माइनस 4x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 55, ओके। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, मींस लेंथ को 1 मीटर हम घटा दिए मतलब x माइनस 1, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, ब्रेथ को 4 मीटर बढ़ा दिए मींस y प्लस 4, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, द एरिया इज इंक्रीज बाय 89 मीटर स्क्वायर। तब एरिया, जो एरिया क्या था आपका एक्स वाई, इंक्रीज करता है कितना मीटर स्क्वायर, 89 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन फॉलो करते हैं, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 4 फोर एक्स, माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4,
सॉल्व करते हैं एक्स वाई फिनिश्ड, तो क्या आया 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 89 माइनस 4 है प्लस 4 कितना आ जाएगा 93, 89 प्लस 4 93 माइनस 4 इधर जाने प्लस 4 हो गया, ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 2। तो नए इक्वेशन को देखते हैं, यहां पर क्या आया हम लोग को माइनस 4x, यहां पर क्या आया हम लोग को प्लस 4x, तो सिंपली हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा माइनस 4x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 55। सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस y इक्वल्स टू 93, कैंसिल 3y माइनस y 2y, माइनस करते हैं 13 माइनस 5 तो 8, 8 में से 5 गया कितना 3, तो y का वैल्यू 19, मींस ब्रेक कितना हो गया 19 हो गया हमारा। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करते हैं, प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, जैसे ही प्लेस करेंगे y का वैल्यू सेकेंड में तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 19 इक्वल्स टू 93, 4x इक्वल्स टू 93 प्लस 19, ऐड करते हैं 90 12 100 12 हो जाएगा 4x इक्वल्स टू, मींस x का वैल्यू कितना 28, एक्स का वैल्यू कितना 28, मींस लेंथ इक्वल्स टू हाउ मच, लेंथ इक्वल्स टू 28 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 19 मीटर। इस तरह से हम लोग का क्या लेंथ और ब्रेथ निकल गया। तो ये क्वेश्चन का जो इक्वेशन बनाने का प्रोसेस है बहुत हद तक मैक्सिमम मैच करता है, किससे मैच करता है जो डिस्टेंस और टाइम पर था, स्पीड और टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन था। फिर से इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे किया समझते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 67 मीटर स्क्वायर, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 67 मीटर स्क्वायर रिड्यूस होगा, घटेगा कब, व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, जब लेंथ को 3 मीटर बढ़ाएंगे, एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 4 मीटर, ब्रेथ को कितना घटाएंगे 4 मीटर, तो लेंथ को 3 मीटर बढ़ा दिए, ब्रेथ को 4 मीटर घटा दिए, देन व्हाट इज द इफेक्ट, एरिया गेट रिड्यूस बाय 67 स्क्वायर मीटर। सेम जैसे क्या होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड अपॉन द एज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एज बेस्ड क्वेश्चन है वो दिया बाय 2 इयर्स के हो, ए मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 2 years ago, means 2 साल पहले एक फादर क्या था 5 times था, किससे, अपने सन से, okay? 2 years ago, अभी present age कुछ ना कुछ तो होगा ना, मानते हैं लेट, present age of son be x and father सन केस क्या मान लिए एक्स मान लिए और फादर केस क्या मान लिए वाई, क्वेश्चन में मैन दिया है तो आप मैन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा हुआ टू इयर्स एगो, टू इयर्स एगो मतलब 2 साल पहले, तो सपोज कीजिए आज एज आपका 10 इयर्स है तो 2 साल पहले कितना इयर्स एज होगा, माइनस करते हैं ना 10 माइनस 2 8 इयर्स, आज 15 इयर्स है तो 2 इयर्स बिफोर तो क्या 15 माइनस 2 कितना 13, 2 इयर्स आफ्टर तो 15 प्लस 2 17, तो बिफोर जब रहेगा तो माइनस करना है, आफ्टर रहेगा तो प्लस करना है, ये छोटे क्लास में सीखे, इस वर्ड प्रॉब्लम को बस बच्चों की तरफ सीखने की जरूरत है। लिखा हुआ है 2 इयर्स एगो, लिख दिए 2 इयर्स एगो, तो 2 इयर्स एगो किसका एज, सन का एज,
सन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, फादर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू ईयर्स एगो वाई माइनस टू। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ, टू ईयर्स एगो मैन वाज, मैन जो था मतलब जो आदमी है फादर है, वो फादर क्या था, तो फादर वाज फाइव टाइम्स द एज ऑफ सन, जितना एज था सन का उससे वो फाइव टाइम्स था, ये खबर ना, टू ईयर्स एगो ए मैन वाज फाइव टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मैन जो है हिज फादर जो है फाइव टाइम्स किससे सन से, टू ईयर्स एगो फादर का एज क्या वाई माइनस टू, सन का एज क्या एक्स माइनस टू, y माइनस टू इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस टेन, एक्स प्रेजेंट है तो माइनस फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस टेन प्लस टू, देन माइनस फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एट, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टू ईयर्स लेटर, लेटर मीन्स बाद में, आफ्टर, तो फिर लिखते हैं टू ईयर्स लेटर सन इक्वल्स टू, लेटर मीन्स बाद, तो सन का एज एक्स था तो दो साल बाद तो सन का एज भी बढ़ेगा तो एक्स प्लस टू हो जाएगा, एंड फादर विल बी वाई प्लस टू, टू ईयर्स लेटर हिज प्रेजेंट एज विल बी, हिज प्रेजेंट एज विल बी एट ईयर्स मोर दैन थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, टू ईयर्स लेटर हिज एज विल बी, मतलब जो फादर का एज है टू ईयर्स बाद वो क्या होगा एट ईयर्स ज्यादा होगा, किससे, तो थ्री टाइम्स द एज ऑफ द सन, थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, मतलब थ्री इंटू एज ऑफ सन, थ्री टाइम्स द एज ऑफ सन मीन क्या थ्री इंटू एज ऑफ सन, फादर का एज क्या है वाई प्लस टू, सन का एज क्या है एक्स प्लस टू, कहलाता एट ईयर्स मोर है, मतलब फादर एट ईयर्स ज्यादा है तो फादर के एज में से थ्री टाइम्स द एज ऑफ सन माइनस करेंगे तो इक्वल्स टू कितना एट, तो इक्वल्स टू एट क्या आया वाई प्लस टू माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू एट, y माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू एट प्लस सिक्स माइनस टू मीन्स y माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू एट प्लस सिक्स फोर्टीन माइनस टू कितना हो गया ट्वेल्व, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन फाइव माइनस फाइव एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एट, सेकेंड इक्वेशन माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व। अब दोनों को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों को इक्वेट किए, इक्वेट किए माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस एट वाई माइनस थ्री एक्स मीन्स इसको अरेंज करके तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व, साइन चेंज करते हैं माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स तो माइनस टू एक्स माइनस ट्वेंटी, तो एक्स का वैल्यू कितना है। अब क्या करेंगे एक्स का वैल्यू टेन आ गया किसी एक इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकेंड ही करते हैं वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व, वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस थ्री एक्स, ट्वेल्व प्लस थ्री इंटू टेन मीन्स वाई इक्वल्स टू फोर्टी टू, मतलब सन का एज कितना इयर्स 10 इयर्स एंड फादर का एज कितना इयर्स 42 इयर्स। इस तरह से बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में आज दे रहे हैं, आप उन सबको सॉल्व करके आएंगे। थैंक यू।